आज है 1 अप्रैल, तो आज के दिन हम झूठ बोल सकते हैं किसी से भी। मम्मी प्राची बेहोश हो गई थी ना, उसको हॉस्पिटल ले गए। मम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है ना। नानी मम्मी के चोट लग गई है। अप्रैल फूल बनाया। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज कल हमारे फाइनली 150 ब्लॉग्स कंप्लीट हो गए थे, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी है। तो इस खुशी में मैंने रखी है गर्ल्स पार्टी, जो कि आज हम करने वाले हैं गर्ल्स पार्टी। तो बहुत मजा आने वाला है, आज का ब्लॉग भी बहुत ज्यादा स्पेशल बनने वाला है। बाकी अभी सब काम कर रहे हैं, तो मम्मी सुबह सुबह मटर छील रही है, तो बाबू भी मम्मी की हेल्प करा रहा है मटर छीलने में। खा रहा है मटर है बाबू। नहीं बाबू, नहीं नुकसान देगी, पेट में दर्द हो जाता मटर से। तो ये देखो मम्मी ने सुबह सुबह बैगन काटे थे, तो ये अभी बने नहीं है, अभी तो धो के रखे हैं। तो बुआ ढाबे की सब्जी बना रही है, तो बुआ ने आज कौन कौन सी सब्जी बनाई है बुआ? तीन सब्जी बना दी। कौन कौन सी? कढ़ी बनाई है, आलू टमाटर बनाए हैं और दाल बनाई है, अब बैगन बन रहे हैं। तो हमारे अब ढाबे पे 4 सब्जियां बनती है। अच्छा। हाँ, दो वैसी, एक दाल, एक सूखी सब्जी। तो काजल दीदी ने आज फास्ट रखा है, तो काजल दीदी जा रही है पूजा करने, पूजा का सामान लेके। तो आज किस चीज का व्रत रखा है? बाबू के लिए व्रत रखा है, बेटों के लिए व्रत है। अच्छा, बेटों, शीतला माता का व्रत। तो बाबू फूल तोड़ के लिया है, चढ़ा दो। तो अब पूजा तो हो गई है, अब दीदी घर पे जाके चाय पियेंगी, क्योंकि दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया ना पिया, पानी तक नहीं पिया। तो अब पूजा हो गई है, अब घर पे जाके चाय पियेंगी। तो चलो चलते हैं, बुआ ने नाश्ता भी बना दिया होगा। तो ये देखो, मैंने आपको बताया था बुआ ने नाश्ता बना लिया होगा, तो बुआ बना रही है आज आलू के पराठे। तो नाश्ता हमारा रेडी है, चाय और आलू के पराठे। बाकी गाइस आज है 1 अप्रैल, तो आज हम मनाने वाले हैं अप्रैल फूल। तो आज के दिन हम झूठ बोल सकते हैं किसी से भी और उसका अप्रैल फूल बना सकते हैं। तो मैं बड़ी मम्मी को फोन कर रही हूँ और उनसे एक झूठ बोलूंगी, तो देखते हैं बड़ी मम्मी बड़ी मम्मी का अप्रैल फूल बनेगा या मम्मी समझ जाएंगी कि आज अप्रैल फूल है। तो मम्मी को फोन करते हैं और मम्मी को झूठ बोलूंगी। बुआ कह रही है एक झूठ भैया से बोलियो पहले। शांत हो जाओ, सारे फोन लग गया, शांत हो जाओ। नहीं नहीं, चुप हो जाओ, चुप। हेलो हेलो मम्मी, मम्मी मम्मी प्राची बेहोश हो गई थी ना, उसको हॉस्पिटल ले गए। अच्छा? हाँ स्कूल में? हाँ स्कूल से फोन आया था, बेहोश हो गई थी, चक्कर आ रहे थे। अच्छा। तो मम्मी और बुआ लेके गई हैं उसे हॉस्पिटल, वहीं से वहीं चले गए थे। अच्छा। तुम आ सकती हो? आ जाओ, अभी ला रही हूँ मैं, चला रही हूँ। जल्दी आ जाओ, है ना, मम्मी और बुआ हॉस्पिटल में अकेले हैं। अच्छा, हॉस्पिटल जाओ क्या? हाँ हॉस्पिटल, GTV। अच्छा ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। हॉस्पिटल? हाँ हॉस्पिटल चली जाना। ठीक है, उनसे फोन करके पूछ लेना, वैसे फोन तो है नहीं उनके पास। मम्मी ने तो फोन ही काट दिया। मम्मी को लग रहा है सच में हुआ है, मम्मी कह रही है मैं नहा के जा रही हूँ हॉस्पिटल, और मम्मी ने फोन काट दिया। 10 मिनट बाद कह दियो हॉस्पिटल नहीं जाना, गली आए आ जाओ, है हॉस्पिटल मत जाना, 5 मिनट बाद कह दियो घर आ जाओ, ठीक आए घर। वो बिना नहाए जा रही है अस्पताल, निकलना ले जब कह रही हो कि मम्मी वो तो ले आए घर आ जाओ, ठीक है। भैया को पता क्या बोलना है? हाँ। भैया बोलना है कि वो भैया मैं वो सफाई कर रही थी, वो कैमरा रखा हुआ था, वो बाबू आया एकदम से, बाबू ने मैंने देखा नहीं, कैमरा लिया बाबू ने नीचे गिर दिया, कैमरा टूट गया। चलो चलो मनाते भैया का, आगे दे सकती है सब, चलो चलो मनाते। ये भैया को बोलना है, चलो अलग अलग तरीके बताऊंगी मैं क्या किस। चलो ठीक है, कैसे कैसे स्पीड लगवा देंगे, पहले मम्मी को बोल, वो चली ना जाए, रिक्शा भी करने दे 5 मिनट बाद। चलेगा
क्या अप्रैल फूल है तो झूठ चल सकता है। हाँ तो भी झूठ बोल सकते हैं। तो आज अप्रैल फूल है तो आज हम सबको झूठ बोल के उन्हें अप्रैल फूल मना रहे। तो बुआ ने मुझे एक आइडिया दिया है, मैं भैया का अप्रैल फूल मनाने जा रही हूँ। तो भैया को कॉल कर रही हूँ। ओए चुप हो जाओ, सारे चुप हो जाओ। हेलो भैया, वो मैं ना सफाई कर रही थी तो बाबू पलंग पे बैठा हुआ था, तो मैंने गाने चला रखे थे, मैं टीवी में ध्यान था मेरा, तो बाबू कैमरा रखा हुआ था वहीं पे, बाबू ने ना हाथ मार दिया, कैमरा पलंग से नीचे गिर गया, टूट गया लेंस, क्या करूं। लेंस टूट गया? हाँ आगे का लेंस टूट गया, वो लेंस के बल गिरा है ना। हाँ ये फोटो भेज दियो। हेलो फोटो भेजूं? हाँ ज्यादा टूट गया आगे से। दिखा। ठीक है। भैया कह रहे हैं मुझे फोटो भेज व्हाट्सएप पे, मैं देखूं कितना टूटा है। बताती हूँ क्या करना है, इसका भी इलाज है। एक मिनट, इसका भी इलाज है, इसके आगे थोड़ी सी टेप ले, दो टेप ला दे भैया, मैंने भी टेप से लगा दिया है, और टेप ला कर फिर दिखा दे, इसका भी इलाज है। भैया मुझे फोन करके कहे कि तू अब जा अपने बेटे को लेके, थोड़ी थोड़ी ना दो जगह टेप लगा, फिर भैया को देखा, भैया देखना मैंने टेप लगा दी है, इसका भी इलाज है। ये डंडी वंडी ना सब हटा दे इसकी। अरे वो भैया फोटो मांग रहे हैं, छोड़ो ना, अभी थोड़ी देर पहले सबका अप्रैल फूल मना लेते हैं। अब मुझे दीदी के लिए बताओ, दीदी को क्या बोलूं? शिल्पा दीदी के लिए। हाँ शिल्पा दीदी के लिए बोलना कि काजल मंदिर में गई थी पूजा करने, और उसके वो बहुत तेज गई, सारे घुटने छिल गए, वो अब मैं जीजू को बुलाऊं क्या करूँ, दवाई दिला रहे हैं, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। मम्मी हंस रही है, उनके ठोकर लगी बहुत संजू ऐसे हो गई, उनके दोनों पैरों में ना चोट आ गई है मंदिर में। नहीं उससे कोई नहीं घबराएंगी वो, कुछ ऐसी बात बताओ जिससे वो घबरा जाए। मम्मी नहीं घबराएंगे वो। मम्मी वो कहते कि मम्मी आ रही थी हमारे घर, तो मम्मी का वो चोट लग गई, रिक्शे वाले ने ना रिक्शा पलट गया, गिर गया। तो उन्हें बता दूंगी तुरंत ही, है ना, रांची के लिए बता दे, घबरा जाएंगी हैं, रांची के लिए बता दे। चलो अब दीदी को करते हैं ना। तो अब हम बनाने वाले शिल्पा दीदी का अप्रैल फूल, तो दीदी को फोन करती हूँ और बोलती हूँ कि मम्मी की चोट लग गई है। ओ शांत हो जाओ, सारे चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। हेलो नमस्ते। हाँ शिल्पा, वो प्राची बहुत खराब हो रही, क्या करूँ मैं, तो चाची तो होते बेहस हो गई, कहते मैं कहाँ लेके जाऊँ, बेहस हो गई थी ना वो प्राची, अब मैं कहाँ लेके जाऊँ, मम्मी को फोन करा है, अब तो चाची तो ऐसे सुनते ही बेहस हो जाती हैं, अब मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रोटी पे आप देखो फोन मिलाएंगे, अभी करेंगे। काजल कहाँ है? काजल नहाने गई है ना, उसको तो पता भी नहीं है, अभी उसको बताऊंगी। अच्छा। उसका बर्थ है ना, नहाने गई है। अच्छा। हाँ चाची का तेरे को पता ही है, सुनते ही वो तो हॉस्पिटल बाद में जाएंगी, पहले गिर जाएंगी, बेहोश हो जाएंगी पहले, वही समझ में ना आ रहा मैं कहाँ लेकर जाऊँ, हॉस्पिटल जी टी वी के लिए रिक्शा भेजा मैंने, बंस को रिक्शा भेजने करने के लिए भेजा, ठीक है मैं मम्मी को फोन कर रही, बड़ी मम्मी को बुला रही हूँ, है ना, रख रही हूँ मैं। ओ भाई बुआ क्या एक्टिंग।
मम्मी बुआ ने क्या एक्टिंग करी भाई, मेरे से नहीं होता ऐसा। बुआ सच में रोने भी लग गई। उनको लगना चाहिए आवाज भी तो बदलनी चाहिए ना। हाँ, आवाज भी बदलनी चाहिए, नहीं तो कहेंगी तो हंस रही है, थोड़ी सी आवाज चेंज होनी चाहिए। कहा मैं मम्मी को बुला रही हूँ, रिक्शा लेने का। मम्मी घबराना जाए, मम्मी घबराना जाए, मम्मी तब मैं खराब होता है। बंस का रिक्शा लेने मैं जा रही हूँ, बंस को मैंने रिक्शा लेना दे दिया, मैं जा रही हूँ कराची को लेकर। मम्मी तो तेरी बेस पड़ी है, पागल ना रही है उसको। मम्मी को फोन करके बोल पूछ काम ले भाई। अब बता दो भाई, अप्रैल फुल मन गया, बता दो कहीं। बता दो मम्मी को, बेगम तबियत खराब है, एक बार दोहराई है। बड़े पापा को भी बताते कैमरे वाली बात को। ओहो, एक बार बड़े पापा को भी अप्रैल फुल मनाते हैं। तो गाइस हमने तीन जगह का अप्रैल फुल मना दिया है, भैया और दीदी और बड़ी मम्मी का। अब टाइम है बड़े पापा का अप्रैल फुल मनाने का, तो बड़े पापा को फोन करती हूँ और बड़े पापा को भी यही बोलूंगी कि पापा कैमरा टूट गया है हमारा, तो देखते हैं पापा क्या बोलते हैं। सब चुप हो जाओ। हेलो। हाँ पापा, वो ना कैमरा टूट गया है। हाँ अच्छा, पापा को पता है आज अप्रैल फूल है, तो पापा बोल रहे कि मुझे पता नहीं है कि आज 1 अप्रैल है, तो पापा को तो हम अप्रैल फूल मना नहीं पाए। पापा बताए क्या बोल रहे थे, पापा कह रहे मैं तो तुम्हें ही मनाने वाला था अप्रैल फूल, हम सबका मना रहे, पापा हमारा मना रहे थे। अब टाइम है अपनी नानी का अप्रैल फूल मनाने का, तो नानी को फोन मिलाया जाए और थोड़ा सा झूठ बोल के उनका भी अप्रैल फूल मनाया जाए। तो नानी को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो नानी, नमस्ते। नमस्ते नानी, मम्मी के चोट लग गई है। कैसे? जीने से उतर के आ रही थी ऊपर से, और जीना गीला हो रहा था और पैर स्लिप हो गया। दांत लग गई चोट? हाँ, घुटना घुटने में लग गई है और सर में लग गई है। पैर में प्लास्टर आया है हॉस्पिटल में? नहीं, पैर में प्लास्टर आया है। हाँ हॉस्पिटल में अभी प्लास्टर आया। हाँ आराम से, अब तो बैठेगी आराम से। मैंने कहा धीरे से करे कर काम, चाय पानी मत करे कर दादा, जल्दी जल्दी रहती है ना हर चीज की। अब पैर बैठ के मार के चोर। और एक साइड का जीटीवी में? हाँ जीटीवी लेके गए हैं पापा और बुआ। अच्छा हाँ, प्लास्टर हो गया, हड्डी टूटी है, वैसे फ्रैक्चर आया बस। अच्छा आओगी नानी घर पे देखने? आऊंगी मैं, आऊंगी कल देखूंगी, आज तो मैं ना पाऊंगी, आज तो मैं ड्यूटी पे हूँ ना, कल देख लूंगी। अब सारे मिलके कह रहा अप्रैल फूल मनाया। अब बोल रहा है अप्रैल फूल मनाया मम्मी से बात। हेलो। हाँ हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते क्या हो रहा? अरे कुछ नहीं, अप्रैल फूल बना, अप्रैल फूल बना, अप्रैल फूल बनाया। कई नानी को ना अप्रैल फूल बनाएंगे। नानी वाट लगा रही है मम्मी की। नानी बोल रही है कि ऐस नानी तो डांट रही है। तो नानी तो बहुत ज्यादा घबरा गई, फिर मैंने मम्मी को ही फोन दे दिया, तो नानी कह रही हाँ ठीक है घर पे ही है। तो मम्मी ने बताया कि अप्रैल फूल मना रहे थे, तो नानी कह रही मैं तो घबराई गई। नानी कह रही ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई किसी को मतलब
एकदम से वो हो जाए, कुछ हो जाए ऐसी, मतलब बात सुन के। अबे नानी को कल आने देते घर पे ना, मजा आ जाता। काजल दीदी कह रही है नानी को एक बार घर पे आने देते। छोड़ो यार, नानी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। नानी उल्टे, नानी ने उल्टा हमें डांट दिया। तो चलो, तो चलो अब है शांति बुआ का अप्रैल फूल बनाने का टाइम। तो शांति बुआ को फोन करते हैं और उनसे एक झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोले? अम्मा बाहर गई। मम्मी कह रही है अम्मा को बोलो अम्मा। नहीं यार, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस बार काजल दीदी की बारी है। नहीं यार, मेरे से नहीं बोला जाएगा, मेरी हंसी आती है बहुत ज्यादा। उन्हें बुला, बुआ को, एक्टिंग मार को। ओ हाँ, बुआ को बुलाते हैं। तो ना, मैं अपने हिसाब से बोलूंगी। हाँ, बोलना। तो अब शांति बुआ को फोन मिलाया जाए और शांति बुआ का मनाया जाए अप्रैल फूल। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ, क्या कर रही? सफाई करने आई हूँ। अच्छा, अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है ना। अच्छा। हाँ, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं खंडेलवाल में। काजल को इसकी मम्मी को भेज रही, बड़ी मम्मी को फोन करा। पैसे की जरूरत है, पैसे का नहीं हो पा रहा। निक्के कह रहा बड़े पापा को कर ले फोन, तो पहले पैसे चाहिए होते हैं ना हर जगह के लिए। कम से कम 5,000 तो हाथ में होना ही चाहिए। अब देखो, रिक्शा कराए, ऑटो कराए, लेने गए। बड़ी मम्मी आ रही है, जा रही है, काजल को भेज रही हूँ। मैं तो बाद में देखूंगी, अभी ये लोग जा रहे लेके। हाँ, मैं तुम्हारे घर के रास्ते में ही पड़ता है। इसके पापा शाम को देखो जल्दी आएंगे तो वहां के आ जाऊंगी। हाँ, तो मैंने कहा बता देती हूँ, आ जाइए। कोई पैसे ऐसे की जरूरत पड़े तो देख लेंगे। तो मुझे बता दियो। हाँ है ना। हाँ, बड़े पापा कहते हैं अभी तो कहीं से इंतजाम कर ले, मेरे पास अभी है नहीं। किसी से भी ले ले, या शांति से ले ले, या निक्के से ले ले, तो कहीं से तो ले नहीं है ना। हाँ, तो कहीं से तो इंतजाम करना ही है। 10-5 का जुगाड़ कर पाऊंगी, इससे ज्यादा कर पाऊंगी। मेरे पास सारे मेरे खुद के पता खर्च हो जाता है। हाँ, देखूंगी किसी से लेगा, फिर निक्के उधार लेके देंगे। अब जा रहे हो वो तो करा है। चल ठीक है, वैसे थोड़े बहुत रख लियो इंतजाम करके। ऑटो करने भेजा बस, ऑटो करने गया मैं, तरह ऑटो देख लेती है ना। ज्यादा तबियत खराब हो रही है, मैं रख रही हूँ अभी। ठीक है वही बुआ एकदम सही एक्टिंग करती है। बुआ ताली मारो, ताली मारो। इन्होंने बोला शांति से अम्मा की बहुत तबीयत खराब है, हैं? और वो कह रहे हैं, बड़े पापा कह रहे हैं कि या तो शांति से बोल दे थोड़े पैसे का जुगाड़ कर देगी, या निक्के से बोल दे। शांति वो हो गई सीरियस, कह रही है मैं 10-20 हजार का जुगाड़ कर रही हूँ, आ रही हूँ। अप्रैल फूल, भाई बुआ एकदम सही एक्टिंग करती है अप्रैल फूल बनाने में। अप्रैल फूल भी बना। मम्मी दोबारा करके दिखा। मम्मी नानी को, मम्मी तो कर, नानी भी आने को राजी। मम्मी इनके हमने पैर तोड़वा दिए, प्लास्टर चढ़वा दिए। अप्रैल फूल भी बनाया। अब बुआ को ये शॉर्ट हो जाएगा, 5 रुपए सही बात कर ले है? अब बुआ डर जाएंगी। हाँ, कभी काम छोड़ के बैठे। हेलो फूल कह रही पैसे करते कर लो। किसका? ओ बड़ी मौसी को करो। बड़ी मौसी भी बना जाएगी। हाँ, बड़ी मौसी को। तो अभी हमने मनाया शांति बुआ का अप्रैल फूल। भाई अभी हमने उन्हें बता दिया कि हमने तुम्हारा अप्रैल फूल बनाया है। तो बुआ की बात हुई है, तो बुआ से पूछते हैं बुआ की क्या बात हुई है। अरे वो डर गई, बहुत ज्यादा रोने लग गई। रोने लग गई? वो कह रही मेरे हाथ पर काम पे, मेरे से काम नहीं हो रहा, रोने लग गई। मैंने कहा था ना किसी के संग अप्रैल फूल मनाओ तो कोई बंदा मतलब सीरियस भी हो सकता है ना। वो सीरियस हो गई। वो कह रही मुझे लग रहा था सच में अम्मा की ज्यादा सीरियस हो गई, लेके जा रही। फिर मैंने थोड़ा पैसे वैसे के बारे में बोल दिया। हाँ, थोड़ा पैसे का इंतजाम कर लो। तो बुआ डर गई है ना। डर गई ऐसे कह रही मैं फूफा को फोन करती हूँ। अच्छा, तो मैंने जल्दी उनको फोन कर दिया। डर गई थी ना बुआ, रोने लग गई थी। हाँ, रोने लग गई थी।
तो हमने सबका अप्रैल फूल बनाया, अब एक लास्ट बार और मनाएंगे, वो भी जगदीश जीजू का। तो चलो उन्हें फोन करते हैं और मनाते हैं उनका भी अप्रैल फूल। तो हमने सबका अप्रैल फूल बनाया, अब एक लास्ट बार और मनाएंगे, वो भी जगदीश जीजू का। तो चलो उन्हें फोन करते हैं और मनाते हैं उनका भी अप्रैल फूल। तो जीजू का नंबर कहाँ है? हाँ, बुआ ने आइडिया दिया है क्या बोलना है, तो मैं उन्हें फोन कर रही हूँ। सब शांत हो जाओ। हेलो, ऊपर वाले छेड़ा। हेलो हेलो जीजू। अरे वो काजल दीदी की एक फ्रेंड आई थी, वो अपने संग ले गई है, और बाबू यहाँ पे तंग कर रहा है, रो रहा है। बताओ क्या कैसे चुप कराऊं, और फोन भी उसका ऑफ जा रहा है। क्या नाम उसकी फ्रेंड का, किसके साथ गई है? नाम पता नहीं, मुझे तो नई सी लगती, शादी शुदा थी। अब तो यार तुम मुझे पहले ऐसे कैसे चली जाती हो, और तुम्हें नाम ही नहीं पता उसका जिसके साथ चली रही। फोन तो कर रहे हैं, उठा नहीं रही है। फोन तो कर रहे हैं, उठा नहीं रही। अच्छा करो, फोन स्विच ऑफ कर रखा है, उठा नहीं रही। उठा नहीं रही वो लड़की, कौन देखी नहीं तूने किसके साथ में? पता नहीं शादी शुदा थी, पता नहीं, मैं तो पहली बार देखी थी। बच्चा भी था वो, शादी शुदा थी। हाँ, एक बच्चा भी ले रखा था उन्हें गोद में। हाँ। क्या बोल रही थी तुमसे, कहाँ जा रही है? कि बाहर कुछ खाने जा रहे हैं। सिलमपुर या शादरा जाने की कह रही थी उसके संग। फोन उठा नहीं दिया हमारा। तुमने ये क्यों बोला? अरे ये तो यार आवाज कैद नहीं है भाई। आज आज सबके साथ आज काजल दीदी की खैर नहीं है। मेरे आइडिया कभी फेल नहीं हो सकते भाई। बुआ ने आज ऐसे अप्रैल फूल बनाने के लिए हमें ऐसे ऐसे आइडिये दिए ना भाई, वो ताली मारो यार, मजा आ गया। ऐसे अप्रैल फूल आइडिया देती ना, अच्छे अच्छे मेरी बातों में। एक बच्चा है, हाईलाइट हो, टेंशन मत लो। तो आप काजल दीदी हेलो घर आ रहे थे। ओ भाई जीजू घर आ रहे थे। ओ कहा बाबू तो पहले डर के मारे कोने में जाके लेट गया। बाबू डर गया। बाबू डर गया। अब चलाने को जगदीश जीजू का अप्रैल फूल बनाया, और जगदीश जीजू तो सीरियस हो गए, घर पे आ रहे थे भाई काजल दीदी को मारने के लिए। फिर हमने उनको बताया कि हमने अप्रैल फूल बनाया, यूं कह रहे मैं तो सच में घर पे आ रहा था। तो आज तो हमें बहुत मजा आया अप्रैल फूल बना के सबका, और सब मन भी गए अप्रैल फूल में। बस हाँ, एक जने को नहीं मना पाई मैं, वो है बड़े पापा। बाकी हमने सबका अप्रैल फूल बनाया, और ये आइडिया मुझे बुआ ने दिया था, तो यार बहुत मजा आया अप्रैल फूल बना के। सो गाइस, फाइनली मैं नहा के आ गई हूँ, और सब बैठ के बातें कर रहे हैं, और कल का व्लॉग देख रहे हैं, और यहाँ पे पापड़ चल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे पापड़ चल रहे हैं, पापड़। मम्मी ने नेल आर्ट करवाई है। मम्मी ने नेल्स एक्सटेंशन करवाए हैं, वो भी येलो कलर के। अभी मेरे को रेडी भी होना है, क्योंकि कल हमारे फाइनली 150 व्लॉग्स कंप्लीट हो गए थे, तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं। इस खुशी में मैंने रखी थी गर्ल्स पार्टी, तो शाम को हम जाएंगे बाहर पार्टी करने। अभी मम्मी चाय बना रही है, ये देखो। तो अभी मम्मी ही बना रही है चाय, और पापड़ किस खुशी में सेके मम्मी आज? काजल का बर्थडे पापड़ अभी। अच्छा, तो आज पापा और काजल दीदी का फास्ट है, इसलिए मम्मी ने बर्थ वाले पापड़ सेके हैं। आलू के साबुदाने के। आलू के भी सेके हैं नीचे। और इसमें क्या बन रहा है मम्मी? आलू वाले। आलू उबाले हैं, क्यों? उबाल दिए, काजल के सूखे बनाऊंगी, पापा के तरी वाले। अच्छा, अभी से ही? हाँ,
तो मम्मी ने अभी से ही आलू उबाल के रख लिए, पापा और काजल दीदी का फास्ट है और हमारी चाय भी रेडी हो गई है गरम गरम। और ये देखो एक तो रेडी भी होके आ गई है पार्टी में जाने के लिए, लेकिन अभी और बच्चे तो अभी ट्यूशन वगैरह गएंगे तो मैं इसलिए आ गई क्योंकि फिर मैं बार बार नहीं जाऊंगी ऊपर, चौथी पे चढ़ना पड़ेगा, मैं थक जाऊंगी बार बार चढ़ के। तो मैं भी जल्दी से चाय पी के ना मैं भी रेडी होने जा रही हूँ बस। सो गाइस फाइनली हम सारी गर्ल्स हो गई है रेडी क्योंकि हम जा रहे हैं पार्टी करने। और पार्टी किस लिए करने जा रहे हैं हम? हमारे 150 ब्लॉग कंप्लीट हो गए। हाँ तो कल हमारे फाइनली 150 ब्लॉग्स कंप्लीट हो गए थे। इस खुशी में हम जा रहे, इस खुशी में मैंने रखी थी गर्ल्स पार्टी जो कि हम सब है, खुशी, मैं, प्राची, तानिया, हिमांशी। तो अभी हम वेट कर रहे हैं माही और मट्टो का। तो माही और मट्टो गए हैं रेडी होने और हम कर रहे हैं अंजलि का भी इंतजार क्योंकि अंजलि गई है कोचिंग, तो जल्दी से आ जाए उसके बाद हम चलते हैं बाहर पार्टी। तो फाइनली हमारी एक गर्ल भी आ गई है जो कि कोचिंग गई थी। अरे फाइनली 5 गर्ल्स हो गई हैं रेडी, बस हम कर रहे हैं मट्टो और माही का वेट। तो गाइस फाइनली हम सारी गर्ल्स हो गई हैं रेडी, चलो चलते हैं। चलो चलो, चलो गर्ल्स। तो फाइनली हम रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं, वही पेप्सी वाले। चलो तो हम आए हैं पेप्सी रेस्टोरेंट, तो चलो अंदर चल के डिसाइड करते हैं। चलो एक साथ बैठ जाओ, ऐसे करो टेबल ना ज्वाइंट कर लेते हैं, है ना? हाँ ज्वाइंट कर लो। तो अभी हम टेबल ज्वाइंट कर रहे हैं अपने लिए। चलो बैठो, बस इतनी सीख है, इतनी ठीक है। किस किस को क्या क्या खाना है बताओ, मट्टो बताएगी। मट्टो बताओ क्या खाना है आपको, बताओ भाई। मेरे को तो चौमिन, मेरे को भी, और चिली पटेटो खाने हैं। सेम। तो हाफ चौमिन कर दो 4 से। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है चौमिन और चिली पटेटो, ठीक है, और पूरा खर्चा बैठ रहा है 400 रुपये, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मैंने ऑर्डर दे दिया है और भैया मना रहे हैं, इतने हम वेट कर लेते हैं। चलो वेट करना पड़ेगा, मैं ऑर्डर करके आ गई हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई डांस वगैरह नहीं कर पाएंगे हम, शांति से बैठना पड़ेगा, है ना? शांति से बैठना पड़ेगा ना हमें। तो चलो इतने हम कुछ खेल लेते हैं। चिड़िया उड़ी खेलना है, क्या खेलना है बताओ? अंताक्षरी खेले। तो चलो हम बोर हो रहे हैं, इतने हमने ऑर्डर करा है तो अभी भैया मना रहे हैं तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इतनी देर हम खेल लेते हैं अंताक्षरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हमारी चौमिन रेडी हो गई है, तो हम ले लेते हैं। चलो ये लो। थैंक यू। फाइनली हमारी चौमिन आ गई है और सब खा रहे हैं, ये देखो, और सब इतना एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मजे आ रहे हैं? यस। तो चलो मैं भी खाती हूँ। कैसी बनी है अंजलि? बहुत स्पाइसी है। कैसी लग रही है? अच्छी। ओ भाई गरम हो रहा है। तो फाइनली हमारी चिली पटेटो भी तैयार है और हमने अभी चौमिन तो फिनिश नहीं करी, चिली पटेटो आ गए हैं। हमारी फिनिश हो गई। yes. मजा आ रहा है या नहीं? yes. बस थोड़ा डांस लग गया है ना। तो फाइनली सब फिनिश हो गया है और अंजलि उसे भी नहीं छोड़ दिया है, जो प्लेट में बचा है वेजिटेबल्स ज़्यादा अच्छे होते हैं वो खाने चाहिए, चिल्ली पटेटो छोड़ना चाहिए। कह रही है वेजिटेबल ज़्यादा खाने चाहिए, चिल्ली पटेटो फिनिश कर दी है वेजिटेबल्स। चलो भाई,
चलो मैं भैया से पूछ लेती हूँ कितने पैसे हो गए। भैया कितने पैसे हो गए? 400 हो गए। और लाओ चिल्लर पार्टी, पैसे निकालो। लाओ भाई पैसे निकालो यार, कंगले लो भैया। तो मैंने तुम सबके पैसे दे दिए क्योंकि ये गर्ल्स पार्टी मैंने ही रखी थी। कैसा लगा? अच्छा। मजा आया? बहुत ज्यादा। चलो तो हमारे 500 रुपए में से सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। 100 रुपए में से कुछ खाना है? आइसक्रीम। आइसक्रीम? आइसक्रीम नहीं, जूस पी लेते हैं। सोडा वाला है आगे, सोडा पी लेते हैं। चलो चलो चलो। तो सारी गर्ल्स गई है मदर डेरी आइसक्रीम लेने। कौन सी लेनी है? चोकोबार। तो 8 चोकोबार दे दो भैया। हम 8 जने है ना। मट्टा का हाथ नहीं पहुंच पाया। ले सबको मिल गई। तो ये देखो सारे आइसक्रीम का मजा लेते हुए घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? बाय बाय। सो गाइस फाइनली हम घर आ गए और आज बहुत मजा आया हम गर्ल्स पार्टी करके। तो अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।